प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को करेंगे संबोधित। अधिवेशन की कार्यवाही भारतीय समय अनुसार अब से कुछ देर पहले 6:30 बजे हुई शुरू। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी हटाने, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, आतंकवाद व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों पर कर सकते हैं चर्चा। न्यूयॉर्क में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों पर, परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किया विचार विमर्श। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग संगठन ब्रिक्स ने हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा। सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि जल्द अपनाने पर दिया जोर। केंद्र ने मेगा क्रेडिट आउटरीच योजना का किया ऐलान। इसके तहत निजी क्षेत्र के बैंक 400 जिलों में ऋण उपलब्ध करवाने के अभियान में होंगे शामिल। अभियान का पहला चरण 250 जिलों में 3-7 अक्टूबर के बीच चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा, अर्धसैनिक बल, पुलिस और प्रशासन कश्मीरियों का दिल जीतने की करे कोशिश। लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही और आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने को भी कहा। पर्यटन विकास के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार। द्वितीय स्थान पर गोवा और तृतीय स्थान पर रहे केलंग। दिव्यांग हितेशी स्मारक के रूप में सांची के बौद्ध स्मारक को मिला पुरस्कार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में दिए पुरस्कार। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने 1,23,000 और मकानों के निर्माण को दी मंजूरी। प्रस्तावित मकानों के निर्माण पर 4,988 करोड़ रुपए का होगा निवेश। अब खबरें खेल जगत से। 5 मैचों की हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने विश्व की नंबर 2 टीम बेल्जियम को 2-0 से दी मात। भारत की ओर से मनदीप सिंह और आकाशदीप ने दागे गोल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा मैच वर्षा के चलते हुआ रद्द। भारतीय टीम सीरीज में है 1-0 से आगे।